दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों, आज का विषय पहले खुद को आत्मिक रूप से बलवंत बनाना है। वचन देखेंगे हम लूका 10 अध्याय 19 आयत। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रियजन, आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। प्रियजन, आज हर एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद सामर्थ्य के कार्य करना चाहता है, दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहता है, रोगियों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगाई देना चाहता है, परंतु ये संभव नहीं हो पाता है। न ही रोगी चंगाई पाते हैं और न ही दुष्ट आत्माएं निकल पाती है, क्योंकि जब तक विश्वासी परमेश्वर के साथ सही संबंध न हो, तब तक वो सामर्थ्य के कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ सही संबंध में होता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ होती है, और जिस जिस स्थान पर वो व्यक्ति जाता है, उस स्थान पर परमेश्वर का राज्य आता है और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ होती है। प्रियजनों, शैतान और उसकी शैतानी सेना का सामना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम आत्मिक रूप से बलवंत न हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक छोटी सी साइकिल यदि बस को टक्कर मारे तो बस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु साइकिल टूट जाएगी। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। प्रियजनों, जब तक आप आत्मिक रूप से बलवंत नहीं होते, तब तक आप शैतान और उसकी अंधकार की सेना के कार्य को नष्ट नहीं कर सकते। यदि आप उन्हें नष्ट करना चाहोगे तो खुद ही नष्ट हो जाओगे। दुष्ट आत्माएं आपको ही आपका शिकार बना लेगी। इसलिए अवश्य है पहले आप खुद आत्मिक रूप से बलवंत हो और फिर परमेश्वर के कार्य को करो। प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में रहो, उसके साथ संगति करो, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करो और आत्मिक रूप से बलवंत होते जाओ। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।